एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद, दोनों प्रदेशों की सरकारों ने पीएम से मांगा एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा का वक्त। हरियाणा सरकार ने रिसीव किया पंजाब सरकार का एसवाईएल पर दिया गया 191 करोड़ रुपए का चेक। कल बादल सरकार ने एसवाईएल पर किए खर्च की पहली किश्त की वापस। हरियाणा ने एसवाईएल पर खर्च किए थे 300 करोड़ रुपए। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पंजाब और हरियाणा रखेंगे कोर्ट के सामने अपने अपने पक्ष। 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा शुरू हुई है सुनवाई। जाट समुदाय का आरक्षण की मांग को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम आज हो रहा है खत्म। मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति पर होगा मंथन। आज रोहतक के सभी शिक्षण संस्थान बंद। हरियाणा ने की केंद्र से अर्धसैनिक बलों की मांग। हरियाणा में जमीन सौदों की जांच कर रही जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया तलब। जांच में शामिल होने और गवाही के लिए 25 मार्च को बुलाया गुड़गांव मुख्यालय। मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में पहुंची जालंधर के छोटे से गांव ईटाबधी की नवप्रीत कौर। बेटी की उपलब्धि पर परिवार को गर्व। अप्रैल में होने वाले फाइनल पट की सबकी नजर। कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ आज से दिल्ली में शुरू हो रही है सूफी कॉन्फ्रेंस। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा।